हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्कुलर वाटर टैंक का साइज कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको एक सर्कुलर वाटर टैंक बनाना है किसी भी कैपेसिटी का, चाहे वो 2000 लीटर हो, 5000 लीटर हो या 10000 लीटर हो, उसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का साइज कैलकुलेट करना है, कि अगर आपको 5000 या 10000 या 50000 लीटर का वाटर टैंक बनाना है तो उसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सर्कुलर वाटर टैंक के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो मैं राकेश कुमार जी के कहने पर बना रहा हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एक 2000 लीटर का वाटर टैंक बनाना है, उसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर सर्कुलर वाटर टैंक के लिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा। सर्कुलर वाटर टैंक का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है या कैपेसिटी निकालनी है, उसके लिए हमको दो डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, एक उसकी हाइट, दूसरा उसका डायमीटर। ठीक है, ये अगर दो डायमेंशन हमको पता है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा। जैसे राकेश कुमार जी ने बताया था कि हमको 2000 लीटर का वाटर टैंक डिज़ाइन करना है, तो हमने वॉल्यूम कितना लिया, 2000 लीटर लिया। ठीक है, अब इसको एम क्यू में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक एम क्यू में आता है 1000 लीटर, तो 2 एम क्यू इज इक्वल टू 2000 लीटर। ठीक है, अब इसका साइज कैलकुलेट करना है कि हमको एच कितना ले और डायमीटर कितना ले या रेडियस कितना ले कि हमारा 2 एम क्यू का वाटर टैंक बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। हमको वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमको जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है, आर की और एच की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दो यूनिट की हमको ज़रूरत होगी, या तो हाइट या तो रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास दोनों नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ को हमको एज्यूम करना पड़ेगा, या तो हम आर को एज्यूम कर लें या तो हम एच को एज्यूम कर लें। अब ये आर और एच डिपेंड करेगा आपके वहाँ पर जगह कितनी बच रही है, या आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, आपको आर को मतलब इसका डाया ज़्यादा बढ़ा देना चाहते हैं या हाइट ज़्यादा बड़ी देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम किसी एक चीज़ को एज्यूम कर लेंगे। हमने क्या एज्यूम किया, हम एज्यूम कर लेते हैं आर की वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारा मतलब इसका जो हमारा प्लान देख रही है, तो इसका हम डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं। डायमीटर हमने तो एज्यूम किया 1 मीटर, तो हमका इसका रेडियस कितना आ गया, रेडियस हमने ले लिया इसका 0.5 मीटर। ठीक है, हम 0.5 मीटर का इसका रेडियस एज्यूम कर लिए, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 5 है तो डायमीटर हमारा ये पूरा फुल होता है, तो हमारा डायमीटर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, हम इसका साइज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू हमको पता है, वॉल्यूम की हमारी वैल्यू कितनी है, 2 एम क्यू है। ठीक है, तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने पाई, तो पाई को पाई ले लिया, और आर हमने कितना एज्यूम किया था, 0.5 मीटर एज्यूम किया था, तो 0.5 का स्क्वायर और एच को इसी तरह रहने देते हैं। अब ये हो गया हमारा 2 मीटर, पाइप की वैल्यू रख दी हमने 3.14, 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 0.25 आएगा। ठीक है, और एच। ठीक है, अब हमको ये सबको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो इतने का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 0.785 आएगा। ठीक है, इंटू एच। अब हमको क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम डिवीज़न कर देंगे। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हमारा वॉल्यूम रहेगा ये हमारे इसके नीचे चल जाएगा, 2 के नीचे जाएगा। ठीक है, तो 2 के नीचे जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे एच की कितनी वॉल्यूम आएगी, एच की हमारी वैल्यू आएगी 2.547 मीटर। ठीक है, ये हम पूरा मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, एच की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 2.547 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एच की हम मिल गया वॉल्यूम, एच हमको जितना चाहिए था, हमको आर मिल गया, बस ये दो चीज़ें तो चाहिए था हमको वॉल्यूम निकालने के लिए। अब दोनों चीज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमारा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो इस पर हम पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14। ठीक है, और आर की वैल्यू रखी 0.5 का स्क्वायर, और एच हमारे जो आया यहाँ से हमने एच की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर। अब इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.9999 मीटर क्यूब, मतलब कि 2 मीटर क्यूब आया, इसका वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 2000 लीटर की इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये वाटर की डेंसिटी होती है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में हमारा होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये वाटर की डेंसिटी भी होती है, तो हमको डेंसिटी से उसका वॉल्यूम निकाल लेना है, एम क्यू में कितना आएगा, बस इस फॉर्मूले से पूरा कैलकुलेट कर लो, तो आपको जो भी साइज होगा, जो भी आपकी वॉल्यूम की कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी का आप वाटर टैंक डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको सेम कैलकुलेशन अगर आपको एक्सेल में करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको क्या एक्सेल में ये चीज़ जानना है कि एक्सेल में हम इसका फॉर्मूला कैसे पुट करके कैलकुलेट कर लें, कि बस हमको वॉल्यूम डालना है और हमको आर और एच मिल जाए, तो ये चीज़ भी आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में ये चीज़ सीखना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक वाटर टैंक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कोई भी साइज का वाटर टैंक हो तो उसमें हम कितना कंक्रीट लगने वाला है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि कितना सैंड सीमेंट एग्रीगेट कितना लगेगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी सुझाव सवाल या फिर मेरे वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक एक कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।